समोसा हम सभी का फेवरेट स्नैक है। बच्चे हों या बड़े, हर कोई समोसा खाना पसंद करता है। हमारी पार्टीज की शान होता है समोसा। तो आज मैं आपके साथ सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे आप भी घर पे हलवाई जैसे खस्ता समोसे, वो भी बिना तेल सोखे, आसानी से बना पाएंगे। सच मानिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपके समोसे ना फटेंगे, ना तेल सोखेंगे और पहली बार में ही एकदम खस्ता बनेंगे। तो आइए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो समोसे की आउटर कवरिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। तो कटोरी से मैंने मेज़र किया, आपके पास कप है तो आप कप से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं इसमें डालूँगी 1 छोटी चम्मच अजवाइन। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, समोसे के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर देती है समोसे को। तो अजवाइन को ना इस तरह से हाथों में क्रश करके डालें। फिर उसके बाद डालें 1 छोटा चम्मच नमक और इसके बाद इसको हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ना समोसे की जो आउटर कवरिंग है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। किस तरह से हमें क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं समोसे को खस्तेदार बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डाल रही हूँ, वो है मोयन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कप मैदा के हिसाब से मैंने 1/4 कप या फिर कहें आप 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है इसमें। अब इसे हल्के हाथ से ना इस तरह से आप इस तरह से बिल्कुल हाथों के बीच में रब करते हुए इसको अच्छे से मसल मसल कर इसको मिक्स कर दीजिए पूरे आटे को। तो ये देखिए, फिर हाथों की मुट्ठियों में ना पकड़ के इसको देखिए कि इस तरह से बंध रहा है या नहीं, यानी कि बहुत अच्छे से इसको बाइंड होना चाहिए। तो बस इतना ही हमें इसमें मोयन डालना है। ठीक है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालें। अगर आप ज़्यादा ऑयल डाल देंगे ना तो समोसे की जो आउटर लेयर है ना उस पर बबल्स आ जाएंगे। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सख्त आटा लगा लेंगे। तो समोसे के लिए हमें ना ज़्यादा सख्त आटा चाहिए और ना ही ज़्यादा मुलायम। अगर आटा मुलायम गूंथेंगे तो समोसे बनने के 2-3 घंटे बाद जो समोसे है ना, वो मुलायम यानी कि सौगी सौगी से हो जाएंगे और तेल भी ज़्यादा सोखेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा टाइट आटा लगा देंगे तो बेलने में हमें दिक्कत आ जाएगी, तो बेलने में बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए ना इसमें इतना ही, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कप अगर आपने मैदा लिया या 2 कटोरी मैदा लिया है तो उसमें आप 1/4 कप यानी कि 4 बड़े चम्मच तेल डालें बस। तो उसमें आप इस मानसून में ना इसे ज़रूर बनाकर देखें। अभी मानसून ख़त्म नहीं हुआ है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, इस तरह से आपको आटा ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूंथ लेना है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसको गूंथना नहीं है, बस इतना कि मतलब ऐसे बाइंड कर लेना है आपको इसको आपस में। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो चुका है ये। अब इसको ये जोड़ना भर है मतलब इसको, ठीक है, इस तरह से जोड़ लिया मैंने। और इसको ना अब रेस्ट पे रख देंगे हम, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देना है, ताकि ये क्या हो जाएगा ना और स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या कर लेते हैं ना, समोसे की जान जो हलवाई वाली चटकारेदार समोसे की आलू वाली फिलिंग होती है ना, तो वो हम बना लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, इस तरह से आलू को ना क्रश करते हुए इसमें डालना है। तो आपको बिल्कुल भी इसको ग्रेट यानी कि कद्दूकस नहीं करना है। इस तरह से आपने, मैंने यहाँ पे 5 उबले हुए ठंडे आलू लिए हैं, इस तरह से मैं इनको हाथों से क्रश कर लूँगी। तो इससे क्या होता है ना, आलू की फिलिंग का टेक्स्चर जो है ना, वो एकदम बाजार जैसा आता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी पॉइंट है, इस तरह से आलू को आपको क्रश करना है। फिर एक क्या करेंगे हम, पैन चढ़ा लेंगे। तो पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है, आप कोई कढ़ाई भी ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच तेल। तो तेल को पहले इस तरह से मध्यम आंच पे गर्म कर लेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है इसमें डाल लेंगे हम 1 चम्मच जीरा। तो अब जीरा को अच्छे से चटकने देंगे और इसके बाद इसमें जाएगा हींग। तो इसमें लगभग 1/4 चम्मच मैंने हींग ली है, तो ये डाल दें इसमें, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़रूर डालें। अब जो समोसे की फिलिंग है ना, वो अच्छी हो तो तभी खाने में मज़ा आता है, और इसलिए हम ना किसी पर्टिकुलर दुकान का समोसा ही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ डालूंगी मैं, 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया। तो आपने देखा होगा ना, जब आप समोसा खाते हैं तो मुँह में आता है ये, तो इस तरह से ज़रूर डालें। और अब डालेंगे इसमें 1 इंच अदरक जो है वो बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया। थोड़ी देर इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो अब इसके बाद इसमें जाएगा आलू जो हमने क्रश करके लिया था,
ठीक है। तो आप इसमें ना फिलिंग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जिस तरह का फिलिंग पसंद है। जैसे आलू तो मस्ट है कि आलू आपने डालना ही है समोसे में, क्योंकि ये तो हमारे समोसे की जान होती है। और धनिया बिल्कुल दरदरा कूटा हुआ धनिया ज़रूर डालें। और इसके बाद में जो इसमें ज़रूरी चीज़ है वो डालूंगी यहाँ पे कसूरी मेथी, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत एक अच्छी खुशबू सी आ जाती है हमारे मसाले में, तो ये भी आपको डालना है। और मैंने यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है यहाँ पे, और एक बहुत अच्छा सा कलर उठाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इससे तीखापन नहीं आता है, बस कलर बहुत अच्छा आ जाता है हमारे समोसे की फिलिंग का। और मैंने डाला है यहाँ पे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, तो अमचूर पाउडर भी यहाँ पे ज़रूर डालें। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे चाट मसाला आप डाल सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है, अब आपके पास अगर है तो आप ज़रूर डालें, अदरवाइज़ आप इसके बगैर भी इसका ऑप्शन मैं बताऊँगी आपको। तो मैंने यहाँ पे लिया मटर, ठीक है। तो ये मेरे पास फ्रोज़न मटर है, घर पे ही मैंने फ्रोज़न मटर बनाए हुए हैं। तो इसके साथ मैंने डाली है यहाँ पे काजू को मैंने पीसेस में कट कर लिया था, तो वो मैंने डाला है। तो यहाँ पे आप फिलिंग ना अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसकी जगह पे आप मूंगफली भी ले सकते हैं। तो मूंगफली को आप क्रश करके यहाँ पे डाल दीजिए, भुनी हुई मूंगफली जो होती है ना वो क्रश करके डाल दीजिए। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डालूँगी अब नमक, देखिए ज़रूरी चीज़। यहाँ पे मैंने हल्दी, मैं पहले मिस हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे हल्दी अब ऐड कर दी है, और धनिया पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से ना बहुत अच्छे से आपको इस मसाले को भून लेना है, क्योंकि मसाला ना जितना अच्छा भुना होगा समोसे में तो उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, और समोसे ना ख़राब नहीं होंगे। तो अब जैसे समोसे जो है ना मुलायम पड़ जाते हैं, तो रीज़न यही होता है कि मसाले में ना थोड़ी बहुत नमी रह जाती है। तो मसाला बहुत अच्छे से भुनना ज़रूरी है। तो एकदम ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आपको मसाले को भून लेना है। तो एकदम मसाला भून के तैयार है। लास्ट में मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ थोड़ा चटपटा टेस्ट लाने के लिए, यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को चॉप करके डाल दिया है। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम हरी मिर्च डालें, ठीक है। अगर चटपटा खाने के शौकीन है तो इसमें आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल मसाला अच्छे से भून के तैयार है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है और इसकी ना खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको आप ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम अपना आटा देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोबारा से इसको ना अच्छे से मसल लेंगे, और इस आटे से इस तरह से पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से पेड़े बना लिए हैं मैंने। अब क्या करेंगे ना, इसको मीडियम थिकनेस की रोटी की तरह से बेल लेंगे, लेकिन इसे ना रोटी की तरह गोल गोल नहीं, इसको ओवल शेप में हमें बेलना है। तो ओवल शेप में इसे बेल लेंगे। तो इसमें ना अब घी या ऑयल कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आटा इतना सख्त लगाया है ना कि इसमें कुछ भी लगाना इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब ऑयल या घी कुछ नहीं लगाना है, इसे इजीली हम बेल पाएंगे। तो ये देखिए इजीली आसानी से ये बेल जाता है। तो अब इस तरह से हम क्या करेंगे, देखिए ओवल शेप में बेलना है आपको इसे। तो ये देखिए लगभग मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे ना, बीच से एक कट लगा लेंगे। तो चाकू ले लीजिए और यहाँ बीच से एक इसमें कट लगा लेना है इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम एक साइड का ये हिस्सा पकड़ लेंगे, और इसमें हम अब क्या करेंगे ना, इसका हमें इस तरह से कोन शेप में बनाना है। तो इस तरह की मीडियम थिकनेस का आपको बेलना है, फिर इस तरह से कट करके यहाँ पे से देखिए कोन का शेप हमें देना है। तो इसका कोन का शेप देने के लिए हम ना पहले यहाँ पे थोड़ा सा ना पानी लगा लेंगे इसमें। तो एक हिस्से को पकड़ लिया था मैंने, तो इसके साइड में यहाँ पे पानी लगा के इस तरह से कोन का शेप हमें दे देना है। तो अच्छे से चिपक जाता है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, फटेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कोन बना लिया। अब इसमें ना हम भरेंगे जो हमारी तैयार समोसे की स्टफिंग है ना, वो भी थोड़ा बहुत ठंडी हो चुकी है, तो वो इसमें अब हम भर लेंगे, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा या बहुत कम इसमें स्टफिंग नहीं भरनी है, मतलब इतनी भरनी है कि आसानी से ना ऊपर से हम इसको सील कर पाएँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा काजू भी जाना चाहिए ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ना पानी यहाँ पे ऊपरी हिस्से में इसमें लगा दिया है। अब बाज़ार जैसे समोसे की लुकिंग के लिए ना, ये देखिए यहाँ पे एक टिप है, तो ये पीछे वाला जो हिस्सा है ना, इसको इस तरह से पकड़ के ना यहाँ पे एक प्लीट डाल देंगे हम,
ठीक है। तो इसको दबाते हुए फिर यहाँ पे से सील कर लेंगे। अच्छे से इसको दबाते हुए सील करना है क्योंकि ये ज़रूरी स्टेप है। यहाँ पे अच्छे से आप नहीं दबाएंगे तो ये समोसा खुल सकता है। तो बहुत अच्छे से इसको प्रेस करते हुए इसको अच्छे से सील कर दीजिए। देखिए एक समोसा बन के तैयार है, बहुत ही आसान है। तो इसी तरह से अब देखिए मैंने दूसरा भी ये कोन बना लिया है। इस तरह से यहाँ पे पानी लगा के अच्छे से इसको चिपका लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसमें समोसे की जो फिलिंग है वो इसमें भर लेंगे। ये बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है और बहुत कम भी नहीं भरना है क्योंकि समोसे का मज़ा तभी है ना, स्टफिंग में ही तो इसका मज़ा है। तो ये देखिए अब इसके पिछले हिस्से पे यहाँ पे पानी लगाना है और इस तरह से इसको पिछला हिस्सा जो है ना वो पकड़ के आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लीट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे से ये देखिए इस तरह से प्लीट बनाना है और इसको अच्छे से चिपका लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ना सारे समोसे मैंने बना के तैयार कर लिए थे। और इसको क्या करना है ना, आपको खुला छोड़ देना है ताकि जिससे ना क्या होगी, इसमें थोड़ी सी हवा लगेगी और तलने पर इनमें बबल्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारे समोसे बना लीजिए और इनको थोड़ी देर के लिए ना हवा लगने दीजिए ताकि ना इन पर बबल्स ना पाए और ये तेल भी ज़्यादा नहीं सोखेंगे। अब समोसे तलने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा लेंगे और तेल डालकर इसको गरम कर लेंगे। अब जब समोसा आप डालेंगे ना तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आपका तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो तेल जो है वो मीडियम आंच पे आपको समोसा इसमें डालना है। तो 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे समोसे को आपको फ्राई होने देना है। तो इसे क्या करेंगे हम इस तरह से उलट पुलट कर इसको ना अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए समोसा अच्छे से उलट पुलट कर आपको इसको फ्राई करना है। और आपको ना समोसे को स्टोर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। तो समोसा जब आप फ्राई कर रहे हैं ना उससे पहले, यानी कि जब आपने फिलिंग भर ली है अच्छे से, तो उसके बाद आपको क्या करना है ना, एक एयरटाइट कोई भी बॉक्स ले लेना है। ठीक है, तो उसमें आपको समोसे को ना उसमें फिलिंग भर के आपको रख देना है समोसा फ्रिज में। तो 1 से 2 दिन आपका ये चल जाएगा। तो आपको उसको फ्रिज में रख लेना और उसके बाद इसको जब भी आपका मन है 1-2 दिन के अंदर तो आप इसको फ्राई कर लीजिए और एकदम गर्मा गर्म समोसे खाइए। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं समोसे को। तो इसमें देखिए मैं इस तरह से ना तेल के ऊपर, समोसे के ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ। आपने देखा होगा ना कभी दुकान से, अगर आप समोसा जब बन रहा है तो आप गुजर रहे हैं तो वहाँ पर से देखिएगा कि इस तरह से ना हलवाई तेल डालता है ऊपर समोसे की। तो इससे क्या होता है ना, ऊपर से भी समोसे है ना इवनली कुक हो जाते हैं। तो गरम गरम तेल जाता है तो जो मतलब इसकी आउटर कवरिंग है अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाती है। अब देखिए ये समोसे बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर इन पे आ चुका है। तो अब इससे ज़्यादा इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, तो इसको निकाल लेंगे और चटनी या फिर सॉस के साथ आप इसे बिल्कुल मज़े से खाइए, खिलाइए। और ये देखिए देखने से भी पता चल रहा होगा ना कि कितने खस्ता बने हैं और ऑयल तो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।